डिजिटल पंचायत के जो हमारे सीएससी वीएलई हैं दोस्तों, कुछ समय से वो अपना पंचायत भवन में अटेंडेंस नहीं बना पा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों जो मोबाइल ऐप था और वेब एप्लीकेशन था उसे मेंटेन वर्क किया जा रहा था। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और कल से लाइव भी हो चुका है दोस्तों। कल से ही दोस्तों हम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहे थे और अपना अटेंडेंस भी कल हमने बनाया था। इसके साथ ही दोस्तों डेस्कटॉप वेबसाइट जो था वो भी लाइव हो चुका है, जिसे आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे होंगे। अब जो नया वेब पोर्टल रहा दोस्तों वो ये है jheegram.com। इसके माध्यम से अब दोस्तों आप डेस्कटॉप में लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम जानेंगे कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन नई आई है जिसे हमें दोस्तों अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है। उसके साथ ही दोस्तों कुछ सेटअप भी हमें करना होगा, कुछ प्रोफाइल भी हमें फिल करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, बैंक डिटेल अपलोड करना है और अपनी प्रोफाइल पिक भी अपलोड करना है। पूरी बातों को दोस्तों हम आगे जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने डीएम सर से या फिर डीईसी सर से भी इस मोबाइल एप्लीकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डीएम सर या फिर डीईसी सर से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। उस मोबाइल एप्लीकेशन को जब हम डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल पे, उसके बाद किस प्रकार का सेटअप है और किस प्रकार से हमें कौन कौन सी डिटेल फिलअप करना है, पूरी जानकारी की दोस्तों हम आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल पे। इसके बाद दोस्तों हम इंस्टॉल की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब तक ये मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है दोस्तों, पहला इंटरफेस कुछ आपको इस प्रकार का नज़र आएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें यूजर नेम और पासवर्ड फिल करने की आवश्यकता होगी। इस पासवर्ड और यूजर नेम को दोस्तों आप डीएम सर या फिर अपने डीईसी सर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लॉगिन कर देंगे। पहला इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें आपको टाइप में वीएलई स्टेट झारखंड और जोन वगैरह सारी चीज़ों को फिल करना होगा, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके साथ ही दोस्तों सीएससी आईडी भी आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद कुछ नॉर्मल से डिटेल जैसे वीएलई नेम, वीएलई डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको थर्ड ऑप्शन में फिल करने का रहता है। मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमें फिल करना है। कुछ नॉर्मल से डिटेल फिल करना रहता है दोस्तों, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम ब्लड ग्रुप, एडुकेशन डिटेल और कैटेगरी में आपको पता ही होगा ओबीसी जनरल जो भी फिल करना रहता है, ये सब सारी चीज़ों को आप फिल कर लेंगे। इसके बाद रिलीजन, इसके बाद दोस्तों एनिवर्सरी डेट, उसे आप फिल भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, उसे दोस्तों आप जिस पासवर्ड को आपको मिला है उसे आप अलग से भी रिसेट कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें उसे आप रख सकते हैं, वरना दोस्तों आप उसी पासवर्ड के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हमें दोस्तों 7 स्टेप में कंप्लीट करना है, ये चौथा स्टेप हमारा रहा, जिसमें दोस्तों हमें कैमरा एक्सेस अलाउ करना होगा, लोकेशन एक्सेस अलाउ करना होगा, साथ ही दोस्तों फ़ोटो लाइब्रेरी एक्सेस भी हमें अलाउ करना होगा। इन तीनों चीज़ों को हमें पहले अलाउ कर लेना है, इसके बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। दोस्तों हम 5वें स्टेप में आ गए हैं, यहाँ पर हमें बैंक डिटेल फिल करना होगा। अगर हमने फिल नहीं किया पहले तो अब इस समय जो भी बैंक डिटेल हमें फिल करना है पूरी डिटेल को हमको यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। इसके बाद दोस्तों हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, छठे स्टेप में हम आ जाएंगे। यहाँ पे हमें आधार नंबर, फिर आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है, पैन नंबर, फिर हमें पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है। इसके साथ दोस्तों हमें सेल्फी एक लेना है अपने दीवार के साथ, जो भी बोर्ड लगा हो उसके साथ। उसके बाद सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, उसे भी हमें अपलोड करना होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम कर लेते हैं। जब हम दोस्तों सारी चीज़ों को कर लेंगे, फिर से हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है, मतलब 7 स्टेप में दोस्तों हमें कंप्लीट करना है इस मोबाइल एप्लीकेशन की जो भी डिटेल हमें फिल करना है उसे। तो चलिए फिर से हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे प्रोफाइल पिक भी अपलोड करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, हम 7वें स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें दोस्तों ऑफिस लोकेशन, लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूड सर्च करना होगा। ध्यान ये रखेंगे पंचायत भवन में ही इस ऐप को आप ट्राई करेंगे,
वरना दोस्तों इधर उधर करेंगे तो फिर से आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आप ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दोस्तों पंचायत भवन में ही आपको लैंगिट्यूड लेटिट्यूड या इस मोबाइल एप्लीकेशन को फिल करना है। अब दोस्तों अटेंडेंस बनाने की बात रही तो अब आपको क्या करना है, मार्क अटेंडेंस में क्लिक करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अटेंडेंस मार्केट सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो अटेंडेंस है वो बन चुका है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट 1, अब्सेंट 29 और टोटल 30, मतलब दोस्तों आज का अटेंडेंस हमारा बन चुका है। इस प्रकार से दोस्तों अब सेटअप होने के बाद डेली अटेंडेंस आप इसी प्रकार से मार्क अटेंडेंस में क्लिक करने के बाद अपना डेली अटेंडेंस पंचायत भवन में बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से दोस्तों इस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको सेटअप करना है। नॉर्मल से डिटेल थे, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।